मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही जनता अपने जननायक का चयन करेगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी दिन मतदान होगा, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। इसी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों द्वारा प्रत्याशियों के लिए जनसभा में समर्थन दे रही है, जिसके चलते आज शिवपुरी में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उनके द्वारा मंच से जनता को संबोधित किया गया और संबोधित करते हुए देवेंद्र जैन के कार्यों के बारे में जनता को बताया गया। साथ ही बताया गया कि किस प्रकार देवेंद्र जैन हमेशा जनता के लिए अग्रणी रूप से कार्य करते हैं और हमेशा उनके हित के लिए सरकार से संपर्क में भी रहते हैं। इस जनसभा में सैकड़ों की संख्या में जनता का सैलाब रहा। कई क्षेत्रों के कार्यकर्ता, जनसेवक लोग भी मौजूद रहे। बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं और आप सब मेरे परिवार। मेरी बहनें यहां बड़ी संख्या में बैठी हैं। बताओ मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और बच्चों का ये अपने रिश्ते हैं। हारे भांजो, लेकिन मामा रिश्ते से प्रियंका गांधी जी को बड़ी तकलीफ है। प्रियंका जी, रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते अंतर आत्मा से बनते हैं। पर मेरी बहनें आज इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। दुर्गा सप्तशती में यह कहा है कि जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो देवी मां की मूर्तियां हैं। तो मैं बहनों को देवी मां की मूर्तियां मान के ही प्रणाम करता हूं। और मेरी बहनों और भाइयों, बहन मान के ही लगातार हमने कोशिश की कि हम अपनी बहनों की व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास करें। मेरी बहनों, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपनी बहनों की भलाई और कल्याण के लिए कौन सा काम किया जाए। पहले कई योजनाएं बनी, आज उनका जिक्र करने का समय नहीं है। लाडली लक्ष्मी से लेके और बेटियों के रिजर्वेशन तक, लेकिन मैं देखता था कि मेरी गरीब बहनें कई बार छोटी छोटी चीज के लिए परेशान हो जाती है। हजार दो हजार रुपए की जरूरत भी हो तो हाथ फैलाना पड़ते हैं। और इसलिए इसी कोलारस में, अगर आपको याद होगा सुशील जी, उस समय मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी गरीब बहनें जो शहरिया समाज से आती हूं, उनके खाते में 1000 रुपया हर महीना डालूंगा। इसी धरती से मैंने तय किया। बाद में कांग्रेस ने बंद कर दिए, कमलनाथ ने बंद कर दिए, लेकिन इस बार मेरे मन में आया कि बहनों का भला करना है शिवराज, तो सारी बहनों के खाते में अगर पैसा डाल दोगे तो बाकी काम, बाकी जिंदगी बहनों की आसान हो जाएगी। इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई और तय किया। एक विचार मेरे मन में और आया कि महीने में, साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा, तो मैंने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। और बन गई लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछा हूं, कैसी योजना है लाडली बहना? जरा जोर से बताओ, कैसी योजना है लाडली बहना? कांग्रेस ने कभी एक पैसा बहनों के खाते में डाला है क्या? अरे जोर से बताओ, डाला क्या कभी? और अभी तय किया था 10 तारीख को डालेंगे, लेकिन धनतेरस आ रही थी, दिवाली आ रही थी, तो मैंने कहा कि धनतेरस के पहले ही डाल, ताकि धनतेरस के दिन बहने अपने मन से अब चीजें खरीद सके, खरीदारी कर सके।